इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है इन टर्म ऑफ वाई, ठीक है, और डिवाइड बाई डीएक्स निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या यूं कह लीजिए वाई टू, या यूं कह लीजिए एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो से दैट इज इक्वेशन नंबर वन, ये ई फटा देते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है ये। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज डिवाइड बाई डी एक्स, लेकिन डिवाइड बाई डी एक्स आपका किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। आपको इसका सेकेंड डेरेटिव निकालिए, उससे पहले आपको क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स इस पर आपको वाई का फंक्शन चाहिए, तो क्यों ना हम लोग यही इसी स्टेप पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, मतलब जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ पे कॉस वाई प्लेस कर दीजिए, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई आपका कितना होता है, दैट इज साइन स्क्वायर वाई अंडर रूट, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर लिख देंगे, और साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और साथ में स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका वन बाई माइनस वन बाई साइन, या इसको कह लीजिए दैट इज माइनस कोसेक कोसेक ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिवाइड बाई डी एक्स आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी माइनस कोसेक ऑफ y, सेम दैट इज इक्वेशन नंबर टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स that is equals to minus times d by dx of cosec y, cosec y, ये क्या हो जाएगा आपका second order derivative, मतलब d2y by dx square, ये तो find ही करना था आपको। यहां से देखिए ये cosec y जो है आपका y का function है, लेकिन यहां पे differentiate करना है आपको x के respect में, ठीक है, sorry y के respect में, तो आप क्या करोगे यहां पे d by dy करोगे और dy by dx करोगे, ठीक है, ये cosec y। अब ये देखिए ये फंक्शन ऑफ y है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस cosec x का होता है cosec x या cosec y और cot y, ठीक है, और dy by dx, ये आपका आ गया d2y by dx स्क्वायर। लेकिन आपको जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लाना था, ये y का फंक्शन लाना था, तो ये और उसमें और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब डीवाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो डीवाई बाई डी एक्स को कहाँ से रिप्लेस कर दें, इक्वेशन टू से। इक्वेशन टू क्या कह रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक वाई है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस कोसेक वाई, तो माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक वाई, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी कोसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन ऑफ वाई हो गया, ठीक है, और ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यही रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर।